रहमान की पिटाई। जी हाँ, खबरें ये आ रही हैं कि बिग बॉस ओरिटी सीजन 3 के ग्रैंड फिनाले के बाहर अरमान को पीटने के बहुत सारे तरीके यहाँ लेकर बैठे हुए थे कुछ लोग कि वहां पर जाकर उन्हें खूब लताड़ लगाएंगे, खूब उनकी पिटाई करेंगे। लेकिन अरमान वहां से पहले ही निकल गए थे। अरमान ने तो ये कोशिश की थी कि वो मीडिया के सामने भी ना आए, कैप्चर जरूर हुए, कोई इंटरव्यू देते हुए नजर नहीं आए और बस वहां से निकल गए। यहां देखने को क्लियरली मिला कि किस तरह से अरमान का सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रॉल किया जा रहा है। अरमान के बारे में यही कहा जा रहा है कि जिस तरह से इसने अपनी रियल लाइफ और रील लाइफ के अंदर अपनी पर्सनालिटी दिखाई है, ये वाकई बहुत ही घटिया इंसान है। विशाल के बारे में भी ग्रैंड फिनाले पर सीधा ये कहा था कि तुझे वो प्रसाद मिल गया जो मैंने दिया था, तेरे गाल पर यानी कि चाटा मारने का। तब भी फैंस को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि ये चाटा क्या, तुझे जूते पड़ने चाहिए। जिस तरीके का तू इंसान है, तू इस लायक नहीं कि तुझे थोड़ी भी इज्जत मिले, क्योंकि अगर गलती कर भी इंसान थोड़ा झुक जाता है और उसका बिहेवियर, उसका नेचर थोड़ा सही होता है तो इंसान फिर भी समझ जाता है, माफ कर देता है। लेकिन तुमने तो इंडस्ट्री में, एक्चुअली दुनिया में ही गलत मैसेज फैलाया हुआ है और उसके ऊपर अलग तुम्हारा घमंड भी है। ये उनकी शादी से रिलेटेड बात हो रही है। ऐसे में अरमान तो सोशल मीडिया पर ट्रॉल हो ही रहे हैं, तो साथ साथ अपनी वाइफ पायल मलिक और कृतिका मलिक को लेकर भी हो रहे हैं, जिनका हाल ही में एक ब्लॉग भी आया है। कृतिका और पायल की मुलाकात ऑलरेडी हो चुकी थी बिग बॉस की ग्रैंड फिनाले पर, लेकिन ब्लॉग के अंदर ये ड्रामा दिखाया गया कि जैसे ही पायल बिग बॉस के घर के अंदर आई, एक्चुअली कृतिका घर के अंदर आई, पायल वहां खड़ी हुई थी इस तरह से सरप्राइज करने के लिए, इस तरह से एक्साइटमेंट में कि जैसे न जाने कितने सालों से कृतिका का चेहरा नहीं देखा, जबकि ऑलरेडी 2 दिन उनके साथ शूट कर चुकी थी, उनसे मिल चुकी थी। अब ये ड्रामे ही तो आखिर इन्हें ट्रॉलिंग पर लेकर आ जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, आप सभी कमेंट करके हमें जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल भी ना जाए।